हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी स्टडी। दोस्तों, एमपी बोर्ड एग्जाम को अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, इसीलिए बोर्ड एग्जाम के पहले बोर्ड द्वारा मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर जारी किया गया है, जिससे समस्त विद्यार्थी अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को और भी बेहतर कर सके और भी पुख्ता कर सके। तो दोस्तों, मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन हम आपके सामने लेकर के आ चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे और ए टू जेड सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों, आपको कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं, बस आप अपनी कॉपी पेन अपने साथ में रखिए और ए टू जेड सॉल्यूशन आप कक्षा 12वीं फिजिक्स का यहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है कक्षा 12वीं फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर। तो दोस्तों, मॉडल पेपर में जो आपका यहां पे दिखाया जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 20 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स आपके 70 अंक का पेपर रहेगा। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि आखिर आपके इस मॉडल पेपर पर कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, हम आपको ए टू जेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप अपनी पेन कॉपी अपने साथ में रखिए और ए टू जेड सॉल्यूशन आप इसका नोट कर लीजिए, या फिर आपको दोस्तों पूरी पीडीएफ जो हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देंगे, आप वहां से भी इस पूरा सॉल्यूशन का पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, सही विकल्प। जी हां दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सही विकल्प है। एक एक अंक के यहां पे 6 क्वेश्चन रहेंगे। अब पहला क्वेश्चन है आपका, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हम आपको राइट आंसर बताते हैं। तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25×10^18, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हुआ है, लेकिन हम आपको हिंदी में फोकस करके पूरा क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका, किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, तो इसका राइट आंसर है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो किसी चालक में धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। आगे बढ़ेंगे, थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका, आप देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो इसका राइट आंसर है स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है कि लेंज का नियम आधारित है, तो इसका राइट आंसर है ऊर्जा संरक्षण नियम पर। ऊर्जा संरक्षण नियम पर लेंज का नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने आ चुका है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल होती है, तो इसका राइट आंसर है C=1/√π। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्यामिति छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। इसका राइट आंसर है विवर्तन। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न क्रमांक दो है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति। आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक दो है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो समांतर धारावाही चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो वे एक दूसरे को डैश डैश करेंगी। इसका राइट आंसर है आकर्षित करेंगी। पहले का राइट आंसर है आकर्षित करेंगी। सेकंड है आपका, ट्रांसफार्मर डैश डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर जो है कार्य करता है। तीसरा क्वेश्चन आपका, ओके शून्य केल्विन पर अर्धचालक की भांति व्यवहार करता है, तो इसका राइट आंसर है कुचालक की भांति व्यवहार करता है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, फोटोन का विराम द्रव्यमान डैश डैश होता है, तो इसका राइट आंसर है फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, दिष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात डैश डैश होता है, तो इसका राइट आंसर, चौथे का राइट आंसर है XL=WL। क्या है? XL=WL। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, प्रकाश के डैश डैश के लिए अवरोध के आकार का प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए, इसका राइट आंसर है विद्युत प्रवाह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विद्युत प्रवाह। इसी प्रकार से आपके रिक्त स्थान यहाँ पे पूरे होते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सत्य एक एक अंक के 5 क्वेश्चन आपके रहेंगे। आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 eV होती है, तो यह आपका सत्य है। सेकंड क्वेश्चन आपका, जब इलेक्ट्रॉन अपनी उच्च ऊर्जा अवस्था से निम्न ऊर्जा अवस्था में गिरता है, तो इस प्रक्रिया में वह एक फोटोन उत्सर्जित करता है, यह भी आपका सत्य है। थर्ड है आपका, हाइड्रोजन बम की क्रिया विधि नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, यह आपका असत्य है। अगला है आपका, प्रकाशिक तंतु व्यक्तिकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यह भी आपका असत्य है। उसके बाद पांचवा है आपका, सामान्य समायोजन की स्थिति में खगोलीय दूरदर्शी की नली की लंबाई FO-FE होती है, यह भी आपका असत्य है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं सत्य यहाँ पे पूरे होते हैं। दोस्तों, हम आपको एक बार फिर से बताते हैं कि हम आपको ए टू जेड मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाएंगे कक्षा 12वीं और कक्षा 10वीं बोर्ड एग्जाम को हम मद्देनजर रखते हुए हर सब्जेक्ट का मॉडल पेपर ए टू जेड सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे सभी इस फुल सॉल्यूशन मॉडल पेपर का लाभ ले सकें। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4 आपका यहाँ पे सही जोड़ी है। एक एक अंक के 6 क्वेश्चन है, एक तरह खंड आ है जिसको आपको खंड बा से सही मिलान करना है। अब एक तरफ देखिए, पहला है आपका रेडियो तरंग, तो इसका राइट आंसर क्या है? रेडियो तरंग मार्कोनी
रेडियो तरंग का आपका राइट आंसर है मार्कोनी। सेकंड है पराबैंगनी तरंगे, पराबैंगनी तरंगे का राइट आंसर है रीटर, पराबैंगनी तरंगे क्या है रीटर। तीसरा है दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश का राइट आंसर है न्यूटन, दृश्य प्रकाश का राइट आंसर क्या है न्यूटन। उसका चौथा द्रव्य तरंगे, तो इसका राइट आंसर है डी ब्रोगली, द्रव्य तरंगे क्या है डी ब्रोगली। पांचवा है प्रकाश विद्युत प्रवाह का समीकरण, इसका राइट आंसर है आइंस्टीन, प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण आइंस्टीन द्वारा दिया गया। उसका छठवां इलेक्ट्रॉन की खोज, तो किसने की थी, जे.जे. थॉमसन ने की थी। दोस्तों ये मॉडल पेपर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और आप हो सके तो आप इसको नोट कीजिए। नोट नहीं कर सकते हैं तो आपको इसका फुल सॉल्यूशन जो है टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। आगे बढ़ते देखेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, आप देख सकते हैं एक एक अंक यहाँ पे भी पाँच क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपका पृथ्वी का विद्युत विभव कितना होता है, तो पृथ्वी का विद्युत विभव आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर है पृथ्वी का विद्युत विभव शून्य होता है। पहले का राइट आंसर है पृथ्वी का विद्युत विभव शून्य होता है। उसका सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि अनुगमन वेग का मान SI पद्धति में किस कोटि का होता है, इसका राइट आंसर है 10^-4 मीटर सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर है 10^-4 मीटर सेंटीमीटर, ये इसका राइट आंसर है। उसका थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने, थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कार्य फलन और देहली आवृत्ति में संबंध लिखिए, तो कार्य फलन और देहली आवृत्ति में संबंध आपके नीचे देख लीजिए आंसर दिखाई दे रहा है, इसका राइट आंसर आपके स्क्रीन के सामने ये रहा कार्य फलन और देहली आवृत्ति में संबंध, आप ये देख सकते हैं इसका राइट आंसर ये रहा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी सेल का विभव वाल बल उसकी टर्मिनल वोल्टता से क्यों अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर है क्योंकि जब भी सेल बंद होती है तो उसके आंतरिक प्रतिरोध के सिरों पर विभव का पतन हो जाता है। उसका नेक्स्ट है आपका कि धारा मापी में चुंबक के ध्रुव अवतल एवं बेलनाकार क्यों बनते हैं, तो इसका राइट आंसर है ताकि चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यामयी हो जाएं। इस प्रकार से एक शब्द और एक वाक्य में यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। आगे बढ़ेंगे देखेंगे क्वेश्चन आंसर, तो दोस्तों प्रश्न क्वेश्चन आंसर हम आपको यहाँ पे केवल क्वेश्चन क्वेश्चन बता रहे हैं, क्योंकि अगर हम आपको हर प्रश्न का उत्तर बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी इन सभी क्वेश्चन से रूबरू जरूर हुए होंगे। यदि कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि नया इसका आंसर आपको नहीं पता, कमेंट में हमको बताइए, हम आपको A to Z उस क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देंगे। आप देख यहाँ पे आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 6 की लेंज का नियम लिखिए अथवा संधारित्री धारिती प्रतिघात को परिभाषित कीजिए, इसका SI मात्रक लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि किसी परिपथ में 0.1 सेकंड की धारा 5.0 ए से 0.0 ए एम्पियर तक गिरती है, यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वाट है तो परिपथ की स्वप्रेरकत्व का आकलन कीजिए। इस प्रकार से आपके यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं कि वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट IMP इसको आप लगा लीजिए, मोस्ट IMP क्वेश्चन आप इसको लगा लीजिए। इसी प्रकार है अवतल दर्पण के नीचे का आधा भाग काला कर दिया जाता है, प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन सभी क्वेश्चन को आपने उम्मीद है कि कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों हम आपको एक बार फिर से बता दें कि हम बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का मॉडल पेपर A to Z सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, साथ ही दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे आपके दोस्तों तक भी यह मॉडल पेपर सॉल्यूशन के साथ वहां तक पहुंच जाए और सभी दोस्तों का आपका भला हो सके। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।